वैसे देखा जाए तो माइनक्राफ्ट एक पीसफुल और एक मजेदार गेम है, पर इस माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स मौजूद है जो हम कभी भी देख नहीं पाते। और माइनक्राफ्ट में इतने मिस्ट्रीज चीजें जो है वो छुपा हुआ है ना, जो आप शायद ही बिलीव करोगे। और इनको तो कुछ लोग अफवाह भी कहते हैं, बट यार जो भी हो, आज हम ऐसे दो मिस्ट्रीज को देखने वाले और पता करने वाले कि क्या वो सच में है या फिर कोई अफवाह है या फिर कोई किसी ने मतलब ऐसे ही बना दिया है, इस मतलब कोई भी बातों को छेड़ दिया है, मतलब ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी हो, ये दो सीड मतलब दो मिस्ट्रीज को चेक करते समय मेरा जो हालत हुआ है ना भाई, मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया भाई, सीरियसली बताना भाई, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ। चलो आप भी देखो क्या है ये दो मिस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू द क्रीपी पास्ता, मुझे वहां दिखा कुछ ऐसे विलेजर, इसका नाम है डी विलेजर। तो कहा जाता है ये विलेजर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है और ये विलेजर को मारता है, मतलब बाकी जो विलेजर्स होते हैं ना उनको मार देता है। और ये ग्रीन विलेजर के रूप में रहता है, मतलब होता है, और इसका आंख में मतलब आंख अगर देखोगे तो इसका आंख जो है वो रेड कलर का होता है। इसको फर्स्ट देखा गया था 26 नवंबर 2020 में 1.16.4 के अंदर जावा एडिशन में, और मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ पॉकेट एडिशन में। तो चलो देखते हैं भैया कि पॉकेट एडिशन में ये दिखेगा या फिर शर्म के मारे भाई वो हमारे सामने ही नहीं आएगा। ओके, तो गाइस क्रीपी पास्ता के मुताबिक मैं आ चुका 1.16.4 वाले वर्जन में, तो चलो अभी देखते हैं भाई। तो वर्ल्ड का नाम रखूंगा डी विलेजर, क्योंकि इसको ही तो ढूंढने वाला हूँ ना। तो बेसिकली वहां पे मेरे को सीड के बारे में कुछ मिला नहीं था, मतलब ऐसा कोई मतलब सीन नहीं है कि एक सीड के अंदर कोई दिखे दिखा है, ऐसा कुछ भी मेरे को दिखा नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको ढूंढते हैं माइनक्राफ्ट का सबसे कर्स्ड सीड यानी 666 वाले सीड में, और मल्टीप्लेयर को जो है ऑफ कर देते हैं ताकि कोई भी ज्वाइन ना कर सके। ओके, तो गाइस मैंने सब कुछ रेडी कर लिया, मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो अभी चलो वर्ल्ड में एंटर करते हैं। ओके, तो गाइस हम लोग स्पॉन हो चुके हैं इस क्रीपी वर्ल्ड में, और सामने मुझे कुछ पहाड़ दिख रहा है। ओ भाई, यहाँ पे तो विलेज भी है। चलो सही, हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि वहां पे लिखा था कि डी विलेजर जो है उसको देख पाने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है विलेज में। तो भाई देखते हैं, चलो अभी सच में ये डी विलेजर मौजूद होता है, हमें मिलेगा भी या नहीं, चलो देखते हैं भाई। वैसे मुझे ना हर एक चीज पे अच्छे से नजर रखना होगा, ताकि कुछ भी अगर कुछ भी अजीब दिखे तो मैं समझ जाऊं कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। ए भाई, तू है क्या डी विलेजर? नहीं। एक सेकंड, शायद वो हो सकता है क्या भाई, तू है क्या? नहीं भाई यार, कहां पे मिलेगा वो? अरे आ जाना भाई डी विलेजर सामने। नहीं। वैसे काम कर लेता हूँ, कुछ खाना अपने साथ ले लेता हूँ, ताकि बाद में हम भूखा पेट मर ना जाए भाई डी विलेजर के चक्कर में। चलो भाई, यहाँ का तो मैंने ले लिया, तो चलो अभी उनको ले लो। वेट भाई, यार ये फ्लावर्स यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई? जितना मेरे को पता है इस वर्ल्ड पे एंटर करने के बाद मैंने तो कोई फ्लावर को टच भी नहीं करा है, तो यहाँ पे फ्लावर आए कहाँ से भाई? और आयरन गोलम तो पॉपी फ्लावर देता है ना, जब आप उसको मारते हो तब वो पॉपी वाला जो रेड कलर का जो एक फ्लावर होता है वो ड्रॉप करता है, तो ये नीला कलर का फ्लावर जो है वो यहाँ पे आया कैसे भाई? अजीब नहीं है भाई? मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मैंने इस वर्ल्ड पे एंटर करने के बाद इस विलेज में आया, ठीक है, और घूमता रहा, बस किसी भी फ्लावर को मैंने टच भी नहीं करा, तो ड्रॉप करने की तो बहुत दूर की बात है, तो मैंने इसे ड्रॉप नहीं किया, कोई विलेजर तो ड्रॉप करता नहीं है और ना ही आयरन गोलम ड्रॉप करता है ऐसे फ्लावर्स को। तो भैया यहाँ पे ये कैसे आ गया यार? सीरियसली यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, सच में यार ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है। फ्लावर आया कहाँ से? मैंने तो ड्रॉप नहीं किया जितना मेरे को लग रहा है। जो भी हो यार, अभी ये सारे विलेजर को मैं चेक करने वाला हूँ, क्योंकि हो ना हो भाई कुछ तो अजीब है। तो कुछ देर थोड़ा बहुत खाना कलेक्ट करने के बाद, जैसे मैं थोड़ा सा वहां पे सर्च करने लगा था, तो मेरे को उसके बाद थोड़ा सा ज़ॉम्बीज के मरने का साउंड आता है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अभी सुबह हो रहा था तो मॉब स्पॉन तो हो नहीं सकता, तो मॉब स्पॉन नहीं होगा तो ये जलेंगे कैसे? जैसे ही मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं सोचने लगा कि हो सकता है इस विलेज के नीचे कोई ज़ॉम्बी स्पॉनर वनर हो सकता है। इसको चेक करने के लिए जैसे मैं डर्ट को हटा के नीचे देखने लगा, तो वहां पे देखा कुछ ज़ॉम्बीज अचानक से जलने लग रहे थे। पता नहीं चला मेरे को कि कैसे जल रहे थे, जैसे कि मैं नीचे गया तो मेरे को पता चला वो तो गुफा है और यहाँ पे रोशनी आ नहीं रहा था, तो ज़ॉम्बीज जल कैसे रहा था भाई? सच में यार, उस चीज को देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगा यार, ये चीज देखने के बाद। उसके बाद जैसे मैं थोड़ी देर और सर्च करने लगा, तो तब भी मैंने देखा कि एक डोंकी जो आसमान से नीचे गिरा। ओ भाई भाई, वो क्या था यार? अरे लिटरली यार, वो जो गधा है ना वो ऊपर से नीचे गिरा यार। भाई ये क्या हो रहा है यार? भाई कुछ भी
समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी होए जा रहा है यहाँ पे। आई थिंक यार ये ग्लिच भी हो सकता है, मैं कुछ ज्यादा ही इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ यार, जितना मेरे को लग रहा है ये ग्लिच भी हो सकता है। भाई क्या हो रहा है भाई, कुछ भी दिखे जा रहा है मेरे को। ओके तो अभी तक सीड में मुझे दो अजीबोगरीब चीजें होता हुआ मेरे को दिखा है, पहला फ्लावर्स का मिलना और फिर ये अजीबोगरीब चीजों से, मतलब ये ग्लिच भी हो सकता है जितना मेरे को लग रहा है, और या फिर ग्लिच हो भी नहीं सकता जो मेरे को अभी तक लग रहा है, क्योंकि अजीबोगरीब अगर एक चीज हो जाता है तो उसके बाद जो भी होता है तो आपको अजीबोगरीब चीजें ही लगता है, तो ऐसा हो सकता है ये ग्लिच है बट मेरे को अजीबोगरीब चीजें लग रहा है। तो उसके बाद रात होने वाली थी तो मैंने फटाफट कुछ अपने लिए वुडन टूल्स बनाया और रात को इंतजार करा, रात होने का इंतजार किया ताकि मेरे को रात में इधर उधर कुछ ढूंढ के देखूंगा तो मेरे को हो सकता है कोई ऐसी चीज, कोई क्लू मिल जाए। उसके बाद मैं थोड़ा सा सर्च करने लगा पर मेरे को डी विलेजर, मतलब डी विलेजर तो छोड़ ही दो भाई, और कुछ मेरे को अजीबोगरीब चीजें होता हुआ अभी नहीं दिखता है, बस यही मतलब दिखा है फ्लावर का अजीबोगरीब चीजों को, मतलब ऐसा ही मेरे को दिखा है। चलो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को दिखता है या फिर किसी को नहीं दिखता है, ऐसा भी हो सकता है किसी के सामने अचानक से वो दिख जाता है, बट मेरे साथ जितना मेरे को लग रहा है भाई कुछ तो अजीब है इस सीड के अंदर, 666 वाले सीड के अंदर कुछ तो अजीब है। तो खैर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो मिस्ट्री मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बट यार जो भी हो यार अभी चलो हम लोग देखते हैं अगला मिस्ट्री को जो है एंटिटी 303। तो अकॉर्डिंग टू द क्रीपी पास्ता वहां पे लिखा था कि इसको फर्स्ट देखा गया था 30th दिसंबर 2013 में, और इसको ना आप हीरो ब्रांड के जैसा ही आप कह सकते हो। इनफैक्ट वहां पे ये भी लिखा था कि एंटिटी 303 एक हैकर्स का ग्रुप है जो वर्ल्ड को हैक करता है और फिर प्लेयर्स को डराता है। तो अभी सच क्या है और क्या नहीं है वो तो भैया हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अभी फटाफट जो है वर्ल्ड का नाम रखते हैं, और इस वर्ल्ड का नाम क्या रखूंगा भाई, चलो एंटिटी 303 रख देते हैं, तो सीड भी वही होगा 303। तो चलो मैंने जो है मल्टीप्लेयर को ऑफ कर दिया है ताकि कोई भी इस वर्ल्ड के अंदर ज्वाइन ना कर सके। ओके तो वाह भाई हम लोग तो विलेज में डायरेक्ट ही विलेज में स्पॉन हो चुके हैं भाई। तो चलो अभी ना सबसे पहले देख लेता हूँ यहाँ पे हमें कुछ अजीबोगरीब चीजें होता हुआ दिखेगा। गोल्डन नगेट भाई, विलेजर के चेस्ट में, चेस्ट के अंदर भाई गोल्डन नगेट रहता है क्या? इतना मेरे को पता है तो गोल्डन नगेट तो इसके अंदर रहता नहीं है, कुछ खाना वगैरह सैपलिंग वगैरह और एमरल्ड वगैरह रहता है, पेपर्स वगैरह भी कभी कभार रह जाता है, बट गोल्डन नगेट मेरे को आज से पहले कभी नहीं दिखा था। बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकता है गोल्डन नगेट भी रहता होगा, बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को ना इस विलेज में कुछ अजीब और चीजें तो होता हुआ मेरे को नहीं दिखा अभी तक फिलहाल के। ओके तो यहाँ पे एक टाइगर बायोम भी है, चलो यहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है यहाँ पे भूत या चीजें है ना जो यहाँ पे मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। तो मैं विलेज से थोड़ा सा गया टाइगर बायोम के अंदर सर्च करने के लिए, पर जैसे मैं वहां पे जाता हूं तो मेरे को पहले पहले तो वहां जब वो जगह नॉर्मल ही लगा, नॉर्मल वर्ल्ड के जैसा ही लगा, पर धीरे धीरे मुझे वहां पे कुछ अजीबोगरीब चीजें भी देखना शुरू हो गया। और यहाँ पे देखो ये प्लस का आइकॉन, ओके तो यहाँ पे एक प्लस है और ये माइनस, और यहाँ पे हो सकता है प्लस का आइकन हो, तो एक काम करते हैं इसको हटा। ओह माय गॉड भाई यहाँ पे देखो ये कैसा है, मतलब अजीब करी चीज है तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस है, ठीक है ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, भाई ये क्या साइन है, ये कुछ तो साइन, और एक ही लाइन में है ये देखो, एक ही लाइन में है, पर हो सकता है ये साइन मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। इस तरफ चल के देखते हैं थोड़ा सा कुछ अजीब करी चीज है तो। ओके भाई ये देखो भाई ये क्या है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे इसको देखो इस तरफ अगर घूमेंगे, ओ माय गॉड भाई यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकॉन देखो यहाँ पे, ओ माय गॉड जीसस क्राइस्ट यार भाई सब ये क्या है भाई, यहाँ पे वो मेरे को पहले से शक हो रहा था यार ये प्लस का आइकॉन मेरे को कुछ तो समझ नहीं, मतलब कुछ तो समझाना चाह रहा था भाई। देखो यार मैं लिटरली गलत नहीं कहूंगा बट इसको देखने के साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का कब्रिस्तान हो। और कुछ मिलेगा क्या भाई, कुछ तो ओके तो यहाँ पे भी प्लस का आइकॉन है। ओके तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, और थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जैसे कि मेरे को थोड़ा सा अजीब तो लगा है, यहाँ पे कुछ तो हो सकता है। ओके तो यहाँ पे देखो ये भी प्लस का आइकॉन है, और ये ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है भाई, ये तो डबल प्लस है भाई, ये क्या है भाई, और यहाँ पे भी प्लस है, तो और कुछ तो होगा भाई, कुछ मिल जा, कुछ तो मिल जा भाई, और कुछ क्लू मिल जा भाई, इतना ज्यादा कुछ ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। ओके तो यहाँ पे एक और मिला है, ये प्लस ना हो जाए भाई प्लीज यार, इसे को तोड़ के देखते हैं। नहीं यार ये भी प्लस है भाई, जगह जगह पे प्लस का आइकॉन क्यों, क्या समझने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को। ओके तो ये प्लस नहीं है, पर ऐसा यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है भाई, क्या है यार भाई, ये जगह जगह पे इतने प्लस होते हैं क्या, मेरे को तो इतना प्लस तो कभी नहीं दिखा था, बट यार जो भी हो ये कुछ
कुछ तो ऐसा है भाई जो मुझे समझाने की कोशिश कर रही है चीज। ये देखो यहाँ पे भी प्लस है। ओके तो गाइज आप कोऑर्डिनेट को चेक करते रहो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हो, इस वर्ल्ड पे आते हो, तो आप खुद से चेक करना कि आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा। तो पहले मेरे को ये चीज दिखा जो मेरे को सबसे ज्यादा अजीब चीज लगा भाई, जगह ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और जगह जगह पे ये देखो भाई, ये कितना ज्यादा प्लस है भाई। ये देखो यहाँ पे एक प्लस है। और अगर आप थोड़ा सा ये देखो, ये किसी का कब्र लग रहा है। ये देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये देखो भाई ऐसा लग रहा है भाई किसी का कब्र हो। ऐसा नहीं करो कि यहाँ पे जो एंटिटी 303 मौजूद है, ऐसा नहीं करो क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। मिला नहीं तो बताऊंगा कैसे भाई। यहाँ पे भी प्लस है, अरे यार। ओके तो और कुछ रात होने वाली है, तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं। रात में हो सकता है ज्यादा स्पॉन होने के चांसेस हो उसका एंटिटी 303 का। जगह जगह पे कुछ तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि जगह जगह प्लस जो है वो देखने को मुझे मिल रहा है। और भी क्या मिलेगा भाई, ये क्या हो रहा है भाई। ये देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। ये देखो मतलब कुछ आकार जैसा है, कुछ मतलब अगर आप इसको देखोगे तो मतलब कुछ अक्षर जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये देखो यहाँ पर भी प्लस है यार, वहां पर भी प्लस है। ये देखो भाई जगह जगह पे प्लस का आइकन, इतना प्लस का आइकन होता है क्या। ओके तो ये देखो यहाँ पर भी एक है, बट ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये कुछ साइन है या नहीं, वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये देखो यार इस जगह को देखो यार, ये कितना ज्यादा हॉन्टेड जैसा लग रहा है भाई, कितना ज्यादा क्रिपी है भाई। ये क्या साइन, मेरे को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो भाई। ये प्लस आइकन भाई इधर देखो, ओ माय गॉड भाई ये क्या है। तो इत्तफाक, बस इत्तफाक तो नहीं हो सकता भाई, एक ही जगह पे होता है तो माना जाता है भाई, मान लेता कि भाई ये इत्तफाक हो सकता है भाई, कोई ग्लिच हो सकता है। पर जगह जगह पे ये प्लस का आइकन, ये देखो यहाँ पे है, और भी बहुत जगह पे मेरे को मिला है। तो ये प्लस का आइकन मेरे को मिलता है, इतना ज्यादा कहाँ पे कैसे मिलेगा। पर टाइगर बैन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। ओके तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी प्लस है भाई, एक ही जगह पे इतने सारे प्लस का होना भाई, ये क्या क्या मतलब। यहाँ पे देखो ये देखो भाई यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर तो डबल प्लस है। मतलब जहां भी देखोगे तो यहाँ पे बस प्लस ही प्लस है आपको नजर देखने को मिलेगा। ओ माय गॉड भाई ये देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे तो जगह जगह पे प्लस ही नजर आ रहा है मेरे को भाई। ये क्या हो रहा है भाई, लिटरली यार मेरे को ना इस चीज को देखने के बाद मेरे को डर लग रहा है भाई। ये देखो भाई ये प्लस का आइकन भाई इतना ज्यादा दिखता है भाई। ये देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर ये देखो प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है भाई। प्लीज प्लीज कुछ तो और कुछ क्लू ढूंढने दो मेरे को, कुछ और क्लू मेरे को मिलने दो। अजीब अजीब से आवाजें आ रहे हैं भाई मॉब्स के। ये देखो यहाँ पे तो तीन तीन प्लस है, ओ माय गॉड एक साथ भाई। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसको क्रिएटिव में बनाया है, तो आप खुद इस सीड को डाल के आप चेक कर सकते हो इस जगह पे। कोऑर्डिनेट तो आपके सामने ही है, और जगह जगह पे ये प्लस का आइकॉन क्यों दिख रहा है भाई, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा भाई। क्या भाई कोई ऐसा चीज है जो मेरे साथ खेलना चाहता है, या फिर कोई कुछ समझाना चाहता है। ये देखो भाई ये प्लस का आइकॉन भाई, जगह जगह पे इतने सारे प्लस मुझे मिला है भाई। ये देखो यहाँ पर भी प्लस है भाई, इतने सारे प्लस। ये देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है भाई। इतने सारे प्लस का होना भाई बस इत्तफाक तो नहीं हो सकता भाई, कुछ तो अजीब चीज है भाई। हो सकता है 303 मौजूद हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एंटिटी 303 को ढूंढने आए थे हम लोग, पर कुछ अजीब चीज हमें देखने को मिला है भाई। हो सकता है ये सीड कर्स जो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। पर जो भी हो यार, डिसाइड आप करना कि ये क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। जिसे हम लोग ढूंढने आए थे वो चीज तो मेरे को नहीं मिला है। तो गाइज अगर आप ऐसे ही, अगर आपको और भी ज्यादा मिस्ट्रीज जो है वो आपको देखना है, तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके आप लाइक करो। तो मैं इससे भी ज्यादा और डेंजरस मिस्ट्रीज को सॉल्व और देखने वाला हूँ, ठीक है, देखने की कोशिश करने वाला हूँ। तो गाइज अगर आप ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बोलेंगे तो मिस्ट्रीज से मतलब क्या आपको क्या लगा, आपका क्या राय है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकती हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।